हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे अपना चैनल मोनेटाइज करना है। देयर आर 11 टिप्स टू मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई हैव गिवन द लिंक फॉर माय चैनल। एंड सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, एंड ताकि मैं आपको बता सकूँ अपने एक्सपीरियंस से कि अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड नोबडी एल्स विल टेल यू दिस। तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो पहली टिप है, अब मोनेटाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, और इन दोनों में से एक चीज़ चाहिए, 4000 वॉच आवर्स पूरे साल में या 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज़ 90 डेज में, ये रिक्वायरमेंट है। सो टिप वन, कंटेंट मैटर्स। कंटेंट मैटर्स मतलब आप जो अपलोड कर रहे हो उसका कंटेंट क्या है, क्या वो यूज़फुल है, क्या वो इंगेजिंग है, क्या वो लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। सो दिस इज टिप वन, आप जितना मर्जी कंटेंट बनाते जाइए, बट इट विल बी गीगा मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो हम गीगो कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक वो कंटेंट इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग नहीं लगता आपके ऑडियंस को। आपने देखा होगा कि वीडियो में कुछ भी नहीं होता पर वीडियो आपको हंसा जाती है, सो इन दैट केस कंटेंट मैटर्स, सो कंटेंट पे फोकस करिए। दूसरी टिप है, टाइम ऑफ अपलोड मैटर्स। मैंने बहुत वीडियोस अपलोड करके देखी हैं और बहुत थोड़े व्यूज़ आते हैं, और वही वीडियो अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पे अपलोड करते हैं तो उस पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अब आपकी वीडियो किस टाइम पे आप अपलोड करते हैं ये आपको बात कोई नहीं बताएगा, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वीडियो अपलोड करने का टाइम क्या है। अब हर एक वीडियो को अपलोड करने का डिफरेंट टाइम होता है, जैसे हम कहते हैं कुकरी वीडियोज़ दोपहर में चलती हैं या शाम को चलती हैं, तो आप एक एक वीडियो, बहुत सारी वीडियोस नहीं एक साथ, एक एक वीडियो अपलोड करके देखिए। अगर एक वीडियो पे व्यूज़ आ रहे हैं फिर आप उस टाइम पे अपलोड कीजिए, अगर उस टाइम पे कोई व्यू नहीं आ रहा तो उस टाइम पे इट इज़ अ शीयर वेस्टेज ऑफ टाइम टू अपलोड वीडियोस एट दैट टाइम, उस टाइम पे व्यूज़ नहीं आते हैं। एंड रेगुलर एक दो दिन देख के आपको पता लग जाएगा कि मैं किस टाइम पे अपलोड करती हूँ, जब व्यूज़ आते हैं उसी टाइम पे अपलोड कीजिए, टाइम डज मैटर। मुझे ऐसा लगता था टाइम नहीं मैटर करता है, अगर व्यूज़ आने हैं तो आ ही जाने हैं, पर टाइम मैटर करता है। थर्ड टिप इज, क्वांटिटी ऑफ अपलोड्स डू नॉट मैटर। मैंने वही बताया कि आपने, मैं ये सोची थी मैं जितने ज़्यादा अपलोड्स करूँगी उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको एक वीडियो पे ही इतने व्यूज़ आ जाते हैं, और आपने दिन में दस वीडियोज़ भी अपलोड करके देखी हैं, दस वीडियोज़ पे उतने व्यूज़ नहीं आते जितने एक पे आ जाते हैं। इफ़ द कंटेंट इज़ गुड, इफ़ द टाइम एट विच यू अपलोडिंग इज़ गुड, सो कंटेंट क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। फोर्थ टिप, द मैसेज मैटर्स, कि आप संदेश क्या दे रहे हैं, संदेश क्या दे रहे हैं, एक सोशल मैसेज दे रहे हैं, एक फ़नी मैसेज दे रहे हैं, लोगों को हैप्पी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका कंटेंट मैटर करेगा। अगर वो हंसा गया तो वो कंटेंट इंटरेस्टिंग हो गया, इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए, यूज़फुल कंटेंट होना चाहिए, यूज़फुल नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे कुछ सिखा रहा है, बट अगर मुझे हैप्पी भी कर रहा है तो इट इज़ गुड। बैकग्राउंड म्यूज़िक वॉइस ओवर मैटर्स, अगर म्यूज़िक इंटरेस्टिंग है तो वो ऑडियंस को इंगेज करेगी, एक प्लेन ब्लैंक वीडियो वोंट वर्क, सो म्यूज़िक शुड बी इंगेजिंग। और ये भी देखो कि म्यूज़िक क्या है, उसके साथ ट्यून करती है कि नहीं करती है, आपकी कानों को अच्छी लगी तो लोगों के कानों को भी अच्छी लगेगी, ये सोच के चलिए। तो पहले खुद सुन लीजिए फिर पोस्ट कीजिए। टिप सिक्स, योर फिज़िकल प्रेजेंस मैटर्स। फिज़िकल प्रेजेंस मैटर्स का मतलब ये है कि आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस जो है, हम कहते हैं, हम सर्च करते हैं यूट्यूब गूगल पे कि कौन सी वीडियोस हैं जो हम अपनी शक्ल दिखाए बिना, बहुत लोगों को होता है अपनी शक्ल नहीं दिखानी, हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता फेस करने का,
तो इन दैट केस क्या है, वीडियोस हम बनाने की कोशिश करते हैं, बट आप ये चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जहाँ पे आप अपनी शक्ल दिखाते हैं, आपकी फिजिकल प्रेजेंस होती है, उस वीडियो को ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज वीडियो जहाँ पे आप अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हैं. सो दिस इज़ वन टिप. अगर आपकी शक्ल खूबसूरत तो हर इंसान होता है, सो इन दैट केस अगर आप अपनी शक्ल दिखा सकते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो ज़रूर दिखाइए अपनी शक्ल, उससे आपको ज़्यादा व्यूज मिलेंगे. देन द लेंथ ऑफ द वीडियो मैटर्स. लेंथ ऑफ द वीडियो मैटर्स. द लेंथ ऑफ द वीडियो डज मैटर. बहुत शॉर्ट नहीं होनी चाहिए ताकि ऑडियंस अभी इंगेज हुए और अभी वीडियो ख़त्म हो गई. बहुत लॉन्ग नहीं होनी चाहिए ताकि बोरिंग हो जाए. प्रेजेंस ऑफ द किड्स. जहाँ पे एक बच्चा आ गया, उसने इंगेज कर लिया ऑडियंस को, तो प्रेजेंस ऑफ किड्स होते हैं वीडियो में, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं. ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ. प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, जानवरों, पक्षियों की प्रेजेंस से भी ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ. फनी हैप्पी वीडियोज़, बिकॉज दुखी तो हर कोई है, तो इन दैट केस फनी हैप्पी अगर आप कर सकते हो किसी को अपनी वीडियो दिखा के, सो दैट वीडियो विल डेफिनेटली वर्क. देन कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग. हम क्या करते हैं, हम साइमल्टेनियसली, जो मैंने भी करा अपने केस में, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि शॉर्ट वीडियोज़ पे भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लॉन्ग पे भी. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग. दो कश्तियों में पैर मत रखिए. 4000 घंटे भी चाहिए और 10 मिलियन व्यूज़ भी चाहिए तो ऐसा नहीं होगा. एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए एट अ टाइम, बिकॉज 1000 सब्सक्राइबर्स तो आप अचीव कर लेंगे, बट 4000 वॉच आवर्स पे इधर कॉन्सेंट्रेट करिए या फिर शॉर्ट पे करिए, एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करिए. ये भी अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. फॉर मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच.